नमस्ते, मैं दोस्त मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर सेशन 2020-23 बीए बीएससी बीकॉम पार्ट टू का रिजल्ट जारी कर चुका है और पार्ट वन सेशन 21-24 बीकॉम का रिजल्ट जारी कर चुका है। वैसे छात्र एवं छात्रा जो रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं वो स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार ऑनलाइन आवेदन होगा। आवेदन कैसे होगा, कहाँ से होगा, किस पोर्टल से होगा, कितना चार्ज कटेगा और कब तक होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए, स्क्रूटनी के लिए आवेदन कैसे करना है, सेशन फिर से मैं बता दूं, सेशन 20-23 पार्ट टू और सेशन 21-24 पार्ट वन के जो स्क्रूटनी के लिए डेट जारी कर चुका है, आप लोग मुंगेर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। जैसे आप मुंगेर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। मैं आपको दिखा दूँ नोटिफिकेशन, तो देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन भी होगा। नोटिस फॉर डिग्री पार्ट वन 21-24 कॉमर्स एंड डिग्री पार्ट टू 20-27 आर्ट्स स्क्रूटनी डेट। तो आप लोग को मैं एक पहले नोटिफिकेशन दिखा दूं, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा स्क्रूटनी के लिए आवेदन कैसे करना है, कितना फ़ी लगेगा। चलिए, मैं आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा दूं कब से कब तक होगा यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर देख सकते हैं मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर बिहार, और यहाँ पर देख सकते हैं आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, 1/7/2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशन यानी परीक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ, और बैचलर पार्ट वन सह 2021-24 परीक्षा 2022 वाणिज्य संकाय का प्रतिष्ठा एवं सब्सिडरी बैचलर पार्ट टू सह 2020-23 के कला संकाय में सम्मिलित सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि स्क्रूटनी के लिए दिनांक 4/7/2023 से 8/7/2023 तक ₹200 प्रति अधिकतम तीन पत्र के साथ आवेदन ऑनलाइन माध्यम से मुंगेर विश्वविद्यालय के मुंगेर के वेबसाइट पर महाविद्यालय द्वारा आवेदन अग्रिष्ट करवा कर अपलोड कर सकेंगे। छात्र को भुगतान करने के पूर्व निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र महाविद्यालय द्वारा अग्रिष्ट, प्रवेश पत्र TR। आप लोग को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको फॉरवर्डिंग करना है और कौन सा वेबसाइट से कैसे अप्लाई होगा ऑनलाइन स्टेप। चैनल को आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी छोटी सी बड़ी अपडेट आए तो आप लोग को मिल सके। तो आप लोग यहाँ पे डेट देख लीजिए, जो स्क्रूटनी के लिए डेट जो निर्धारित की गई है 4/7/2023 से 8/7/2023 तक आपका शुल्क ₹200 लगने वाला है। चलिए, हम वेबसाइट पर आते हैं कैसे इसको स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आपको स्क्रूटनी की अप्लाई के लिए आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे आ जाना है। आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ आपको ऊपर में बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे देखना है स्टूडेंट लॉगिन, आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करने बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाते हैं। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, आपको मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको नीचे जाना है। ठीक है, नीचे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन स्क्रूटनी, और यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसे स्लाइड करेंगे और यहाँ पे आप लोगों के अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने पर आपके यहाँ पे फॉर्म खुल जाते हैं, मुंगेर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम स्क्रूटनी ऑनलाइन। अब जो भी छात्र छात्राएँ का नंबर कुछ कम है, वो नंबर से संतुष्ट नहीं है, या कुछ कम नंबर एक दो नंबर से कारण प्रमोटेड हुए हैं, आप लोग स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं, आपका नंबर बढ़ सकता है। तो चलिए, स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कैसे फॉर्म फिलअप करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेशन सेलेक्ट कर लीजिए। सेशन पे क्लिक करने के बाद आपका 20-23 सेशन है, पार्ट टू का स्टूडेंट है तो यहाँ पे 2020 करना है 20-23। अगर आप पार्ट वन का स्टूडेंट है 21-24 तो आपको यहाँ पे करना है 2021। चलिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पूरा फिलअप सबमिट नहीं करूँगा। आपका सेशन 2020-23 पार्ट टू का स्टूडेंट है, यहाँ पे 2020 सेलेक्ट करें और कोर्स में आप देख लीजिए BA या BCOM जो भी हैं तो वो सेलेक्ट कर लीजिए अपने अनुसार। तो सेमेस्टर सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे पार्ट टू करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट नाम, अपना नाम डालिएगा, यहाँ पे इंटर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, अपना रोल नंबर डालिए और इंटर स्टूडेंट मोबाइल नंबर, यहाँ पे कोई चालू नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालिए। उसके बाद अपलोड अप्लीकेशन लेटर फॉरवर्डिंग बाय कॉलेज, आपको एक आवेदन लिखना है, अप्लीकेशन लिखना है सादा पेपर पर और कॉलेज में जाकर वहाँ को फॉरवर्डिंग करवाना है कॉलेज में। तो कॉलेज से फॉरवर्डिंग करा के यहाँ पे अपलोड कीजिए। उसके अपलोड स्टूडेंट TR अपलोड कीजिए, अपलोड स्टूडेंट एडमिट कार्ड का अपलोड करना है और आपका स्क्रूटनी सब्जेक्ट वन, आपको जो भी सब्जेक्ट के लिए करना है वो डालिए। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट थ्री ऑप्शनल है और यहाँ पे देखिए
फीस जो है आपका 200 रुपये लगेगा पर सब्जेक्ट। और यहाँ पेमेंट मेथड में आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, 200 रुपये पेमेंट कीजिए, आपका स्क्रूटनी के लिए आवेदन हो जाएगा, आपको कॉपी रीचेकिंग होगा, आपका नंबर भरने वाला होगा तो आपका नंबर भर जाएगा, आप पास हो सकते हैं। तो चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि यूनिवर्सिटी रिलेटेड आप लोग को वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।